आइए अब नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर पर। मूल्य को लेकर हुई किसानों की बैठक। जी हां, खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां मंडी स्थल में किसानों ने गेहूं की खरीद को लेकर निर्धारित मूल्य से कम रेट पर खरीद रहे आढ़तियों को लेकर विशेष चर्चा की। साथ ही साथ लगभग 4 महीने से चल रहे आंदोलन को रोकने के लिए तीनों काले कानून वापस लेने की भी मांग की। देखे बाजपुर से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। वाले जो हैं सीजीएसएम वाले जो हैं, उन्होंने ये हमें पता चला है कि वो कहते हैं कि हमने कम रेट पे गेहूँ खरीदना है, क्योंकि बाज़ार में गेहूँ का रेट जो है 1700 रुपये क्विंटल का है, जो सरकारी रेट है वो 1995 रुपये सरकारी रेट है। हम ये किसानों को चेतावनी देते, कोई भी किसान कम रेट पे गेहूँ नहीं बेचेगा। अगर सीड वाले नहीं गेहूँ लेते तो वो मंडी में आके तलाएं। मेन हमारी यही बात है, लुटाना नहीं है। बड़ी मुश्किल से किसान ने गेहूँ पैदा किया है और हम ये लुटाने के लिए नहीं करा। इतनी महंगाई है जिसका ठिकाना कोई नहीं है। तो हम रेट पे गेहूँ नहीं बेचेंगे, जो सरकारी रेट है उससे कम को गेहूँ नहीं बेचेंगे। ये किसानों को हम हाथ जोड़ के बेनती करें, कोई भी किसान कम रेट पे गेहूँ ना बेचे। हमें पता चला है कि ये 30 साल के लिए गिरवी रख दिया सरकार ने गोदाम, आरएफसी ख़त्म करने को फिर रही है, किसानों को ख़त्म करने को सरकार फिर रही है। वहाँ 400 आदमी हमारा शहीद हो गया है, 4 महीने से किसान सड़कों बैठे हैं, सरकार अंधी बहरी सुनती किसी की नहीं है। वो कह रहे ठीक है ठीक है, ये 2 आदमी कह रहे ठीक है, पूरी दुनिया पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि यह गलत कानून है, वो कह रहे कानून सही है। ये हमें समझ नहीं आती सरकार को हो क्या गया है।